मध्य प्रदेश के उज्जैन में बीते दिनों एक 40 साल के शख्स ने मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की थी। आरोपी बच्ची का पड़ोसी है। आपको बता दें, इस मामले में मध्य प्रदेश की सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। बीते दिन पुलिस की टीम अन्य अधिकारियों के साथ आरोपी के घर बुलडोजर लेकर पहुंची। इस दौरान आरोपी के घर वालों ने विरोध जताया, लेकिन भारी संख्या में पुलिस वाले वहां मौजूद थे। वहीं बुलडोजर एक्शन के दौरान घर के आसपास भारी भीड़ जमा हो गई थी। दरअसल ये पूरी घटना सोमवार की है, जब मासूम अपने घर के बाहर खेल रही थी। आरोपी ने बहला फुसलाकर उसे अपने पास बुलाया और बच्ची के साथ गंदा काम करने लगा। इस दौरान मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को बच्चे के साथ गलत हरकत करते देखा और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं बीते दिन पुलिस और नगर पालिका की टीम JCB लेकर आरोपी के घर पहुंची और यहां मकान के अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।